हाँ तो भाई, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम बात करें किसान भाइयों कृषि रसायन कंपनी के एक प्रोडक्ट का, जो कि एनर्जी के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें आप लोग भी, क्योंकि मैं अब डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आता रहता हूँ खेती से संबंधित। तो आप लोग भी सपोर्ट करें, प्यार दिखाएं अपना। तो इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कृषि रसायन कंपनी के एक प्रोडक्ट काजू की एनर्जी के बारे में। तो मैं पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि काजू की एनर्जी क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो यही सब जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कृषि रसायन कंपनी के प्रोडक्ट काजू की एनर्जी के बारे में। किसान भाइयों, काजू की एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, आप लोग इसको अपनी फसलों के अंदर एक बायो प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर संपूर्ण पोषण आपको मिलेगा। अपनी फसलों के अंदर हम तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं एक माइक्रो न्यूट्रेंट के रूप में। आप लोग काजू की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो संपूर्ण माइक्रो न्यूट्रेंट इसके अंदर मौजूद है। इसके फायदों की बात करें तो संपूर्ण पोषण देने का काम करती है। पौधों में हरित लवक की मात्रा को बढ़ाता है, जिसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है। काजू की एनर्जी फसलों में वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, जिससे फसलों में एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट की मात्रा बढ़ जाती है। फसल की अजैविक तनाव से बचाती है, फसलों को अजैविक तनाव से बचाती है, यानी कि स्ट्रेस फ्री करती है। जो मौसम की वजह से हमारी फसलों के अंदर स्ट्रेस आ जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, मुरझा जाते हैं पौधे, तो उनको बचाने का काम करती है, उनकी ह्यूमिडिटी बढ़ाने का काम करती है काजू की एनर्जी। काजू की एनर्जी फसलों में फूलों और फलों की को बढ़ाने का काम करती है। काजू की एनर्जी उत्पाद की क्वालिटी बढ़ाने का काम करती है, यानी फल हो या अनाज हो उसकी क्वालिटी बढ़ाने का काम करती है। काजू की एनर्जी फसल में उत्पादन बढ़ाने का भी काम करती है। तो किसान भाइयों, बहुत सारे फायदे काजू की एनर्जी के आप लोग उठा सकते हैं इसका यूज करके। फसलों की बात करें तो लगभग हर फसल के अंदर आप लोग काजू की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर चाहे वो अनाज वर्गीय फसलें हों, फल वर्गीय फसलें हों, सब्जी वर्गीय फसलें हों, दलहनीय फसलें हों, कोई भी फसल आप लोग लगा रहे हैं तो हर फसल के अंदर काजू की एनर्जी का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है किसान भाइयों, कि आप लोग काजू की एनर्जी का इस्तेमाल किसी भी फंगीसाइड या इंसेक्टीसाइड में मिला के कर सकते हैं। अब जैसे हमारी अनाज वर्गीय फसलें होती है, जैसे गेहूं है या धान है, तो उसके अंदर गाब्बे की अवस्था में हम लोग जो स्प्रे करते हैं, तो उसी टाइम पे आप लोग काजू की एनर्जी को भी साथ में ऐड कर लीजिए। इसके फायदे मैंने आपको बता दिए कि जो लास्ट में हमारी गाब्बे की अवस्था होती है फसलों की, जो अनाज वर्गीय फसलें होती है, गेहूं है या धान है, तो उसके अंदर जैसे दाना कमजोर रह जाता है, दाना कमजोर नहीं रहेगा, दाने की क्वालिटी अच्छी बनेगी, दाना पूरा भर के आएगा और इस तरह से हमारा उत्पादन भी बढ़ जाएगा। और जो बात करते हैं हम अन्य सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर, जो फूल झड़ने की समस्या आती है, तो काजू की एनर्जी के इस्तेमाल के बाद फूल नहीं झड़ेंगे, अच्छी फल की क्वालिटी बन के आएगी, वो मैंने आप लोगों को पीछे बता ही दिया है। तो काफ़ी सारे फायदे हैं काजू की एनर्जी के, आप लोग यूज करके देख सकते हैं। फसल आपने कोई भी लगा रखी हो, काजू की एनर्जी अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपको डेफिनेटली उसके फायदे मिलेंगे। किसान भाई, वो बात करें इसकी डोज की, तो डोज जो इसकी रहने वाली है, वैसे तो आप लोग 1 लीटर का इस्तेमाल 3 एकड़ के अंदर कर सकते हैं, 330 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका यूज कीजिए, तो बम्पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी, हमारी धान की नर्सरी के अंदर पीलापन आ रहा है या सफ़ेद पड़ रही है हमारी धान की नर्सरी, तो उसके अंदर भी आप लोग जो अन्य फर्टिलाइजर है उसके साथ में मिक्स करके इसका इस्तेमाल स्प्रे के रूप में कर सकते हैं काजू की एनर्जी का, तो आपकी जो धान की नर्सरी है वो बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी और उसका पीलापन दूर हो जाएगा। तो किसान भाइयों, मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने किसानों भाइयों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे जल्द ही एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।